हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं हूँ एक सोलोपिनर डीएसए। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम है मर्चेंट शेयर्स। ठीक है, इस कंपनी को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था और रिसर्च कर रहा था इस पर कि ये सही है कि नहीं है और कब से चल रही है, क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे इसमें काम होता है। ठीक है, सब कुछ मैंने रिसर्च किया और फाइनली मैं आपके सामने ये कंपनी लेके आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा पूरा मतलब जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। ठीक है, और इस वीडियो के देखने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो ये लिंक मैं नीचे दूंगा वीडियो के, इस पर आप आकर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे आप मेरे को कैसे भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, स्काइप पे, या फिर यहाँ पे भी नेम, ईमेल आईडी, मैसेज लिख के सेंड करेंगे तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। ओके, तो ये इसमें मैं अभी बंद कर रहा हूँ। तो ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पर भी आप आकर मुझे मीट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी यहाँ से भी सॉल्व करने का पूरा पूरा ट्राई करूँगा। ओके, तो चलिए अब मैं आगे चलते हैं डायरेक्टली पॉइंट पे। ये है जी साइट जिसका नाम है मर्चेंट शेयर्स। ठीक है, तो इस साइट को मैं फॉलो कर रहा था और मैं आज आपके सामने फाइनली लेके आ गया हूँ। ठीक है, पहली सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने कंपनी को ज्वाइन करना होगा, ठीक है, तो डायरेक्टली इस लिंक से जाके ज्वाइन मत करिएगा। ये जो मर्चेंट शेयर डॉट कॉम ऐसे करके लिंक होता है, आप करने को कर सकते हैं, बट क्या होता है कि इन फ्यूचर अगर कोई अपडेट्स या कोई इसमें प्रोग्रेस होती है साइट में तो आपको इमिजिएटली उसकी न्यूज़ चाहिए होती है। ठीक है, इमीडिएटली उस आपको पता लगना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है प्रोग्राम में, कोई अब कुछ अपडेट्स होंगी तो। ठीक है, वो आपको सिर्फ स्पॉन्सर ही दे सकता है और स्पॉन्सर के बिना अगर आप ऑनलाइन वर्ल्ड में इस प्रोग्राम में या किसी भी ऑनलाइन वर्ल्ड में किसी भी प्रोग्राम में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना। ठीक है, तो मेरी बात शॉर्टकट में याद रखिएगा कि बिना स्पॉन्सर के ज्वाइन मत करिएगा कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन वर्ल्ड में कहीं भी। ठीक है, चलिए, और अगर आपने मेरे अंडर ज्वाइन करना होगा तो ये MS रेफर लिंक यूँ करके होगा, ये ऐसा करके मैं आपको इस वीडियो के नीचे ये लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पर आके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए चलते हैं कि मर्चेंट शेयर है क्या, इसको मैं बंद करता हूँ। ये रहा मर्चेंट शेयर, सबसे पहले तो हम जान लें कि मर्चेंट शेयर चीज़ क्या है। ठीक है, उसके लिए होम पे जाते हैं, आप देख रहे हैं मैं अभी लॉग इन हूँ, मैं आपको साइनअप का तरीका भी बताऊंगा कि साइनअप आप कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं मर्चेंट शेयर में क्या होता है, कैसे नहीं होता। ठीक है, ये सबसे पहले देखिए, मर्चेंट शेयर जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिशियली रजिस्टर्ड है सर्विस मर्चेंट्स कॉरपोरेशन के नाम से। ठीक है, एंड द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर नंबर इज दिस इन कॉमनवेल्थ ऑफ, ये कंट्री है डोमिनिका, जो भी ये कंट्री का नाम है। ठीक है, इस कंट्री में मर्चेंट शेयर जो है रजिस्टर्ड है। ठीक है, और ये टैक्स फ्री कंट्री है तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी सालों से ये कंपनी काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप रीड मोर कर सकते हैं इसको। सिंस वी आर डीलिंग विद द फंड्स, वी केयर फॉर योर सिक्योरिटी एंड रनिंग आवर सर्विसेज इन सिक्योर प्रोटोकॉल, प्लीज़ बी श्योर टू सी हेयर। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप आकर इस हमारे इसको देख ज़रूर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप आकर यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करके आप यहाँ पे अबाउट अस के बारे में पूरा का पूरा कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं कि कंपनी क्या है, क्या नहीं है और कहाँ से रजिस्टर्ड है, कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, क्या होता है। ठीक है, और इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, प्रॉपरली लीगल तरीके से ये कंपनी चल रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से 2007 से कंपनी जो है रन कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन डोमिनिशिया डोमिनिका, जो भी कंट्री है ये। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये रजिस्टर्ड हुई थी 26 जनवरी को 2007 में। ठीक है, आपको दिख रहा है 2007, तो ये मर्चेंट शेयर रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, कंपनी रिकॉर्ड वेरिफिकेशन इन डोमिनिका गवर्नमेंट साइट, गवर्नमेंट की साइट पे, वहाँ की साइट पे आप जाकर यहाँ पर जो है इधर भी क्लिक करेंगे अगर पिक पे आके तो भी आपको ये वहाँ पे आप जाकर खुद देख सकते हैं। ठीक है, कोई ये बनाया नहीं गया हुआ, आप कहीं कभी लोग समझते हैं कि ये स्नैपशॉट बनाए गए हैं बस खुद ही बना के किसी ने लिख दिए, तो ऐसा नहीं है, ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड कंपनी है और काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रही है ऑनलाइन वर्ल्ड में, 2007 से चली हुई है, 2009 से ये ऑनलाइन में काम कर रही है। ठीक है, नीचे आते हैं तो इसका टैक्सेशन 20 साल का टैक्सेशन का जो आप बोल सकते हैं एग्जम्पशन ऑफ IBC कंपनीज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका पूरा का पूरा रिसर्च करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, ठीक है, तो ये कोई स्नैपशॉट नहीं है, ये प्रॉपरली साइट रजिस्टर्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है कंपनी, ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है और इसमें मेरे हिसाब से तो आपको काम करना ही चाहिए क्योंकि मैं खुद इसमें काफ़ी रिसर्च के बाद आया हूँ और तभी मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें बंद कर रहा हूँ, अभी इस पेज को भी बंद करता हूँ। तो सबसे पहले मैं होता हूँ लॉग आउट यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि साइनअप आप कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब आप आएंगे, ठीक है, जब आप जो लिंक है जो मैंने आपको लिंक बताया है, ठीक है, ये वाला ये वीडियो के नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले आएंगे साइनअप पे। साइनअप पे क्लिक करने के बाद आपको कैसे दिखेगा वो मैं बताता हूँ आपको। साइनअप पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो उसके बाद आपको पूछेगा आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, आप एंटर करेंगे अपना फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट नेम एंटर करेंगे,
ठीक है, जैसे आपको मेरा नाम है उमेश, नीचे एंटर करेंगे शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको पूछेगा ईमेल एड्रेस, आप एंटर करेंगे, दोबारा ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, अकाउंट टाइप पूछेगा आपको पर्सनल या फिर बिजनेस, वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे पर्सनल, ठीक है। पर्सनल आपने सिलेक्ट किया, फिर आपको ये मेरे रेफरल हैं, मेरे जो स्पॉन्सर हैं, ठीक है संजय जी, तो आपका रेफरल अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं तो आपका रेफरल मैं होऊंगा, मेरा नाम यहाँ पे लिखा होगा उमेश करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेंगे आई एम नॉट अ रोबोट एंड करेंगे साइन अप पे क्लिक। जैसे ही आपने साइन अप पे क्लिक किया, उसके बाद आपको ये बोलेगा वी हैव सेंट यू एन ईमेल, प्लीज़ फॉलो द लिंक ऑन योर ईमेल टू कंप्लीट योर अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस। अब आप अपनी ईमेल आईडी चेक करेंगे, जो आप ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड हुए होंगे, तो आपको ऐसे करके मेल आएगी, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये मेरी जीमेल आईडी है, मर्चेंट शेयर, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मर्चेंट शेयर, आपको ईमेल आएगी कुछ, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे ये वेलकम करके ऐसे करके आपको ईमेल आएगी, वेलकम टू मर्चेंट शेयर, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट, ठीक है। या फिर एक एक मेल ऐसे भी आएगी आपको, यहाँ पे देखिए योर अकाउंट इज ऑलमोस्ट रेडी, वी हैव वन मोर स्टेप टू कंप्लीट योर अकाउंट कन्फर्मेशन, ओके। तो यहाँ पे आप प्रोसीड करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मैं कोई आपको बोलने के लिए नहीं बोल रहा, ये मैंने कब से अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, मैं इसको तब से स्टडी करे जा रहा था, 9 नवंबर 2016 से मैं इसको इसमें ज्वाइन हूँ, ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड हूँ, और मैं इसको स्टडी करे जा रहा था तब से कि क्या है ये, सही चले चल भी रही है कि नहीं चल रही है साइट, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से इसमें रजिस्टर करिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलूँगा रजिस्टर करिए, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। जैसे आप रजिस्टर हो गए, ये मैं आपके सामने लॉगिन किया हूँ, अभी देखो आप, आपके सामने मैं लॉगिन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आपको सिर्फ अभी पैसा नहीं लगाना है इसमें, आपको सिर्फ इसको पहले देखो कि चीज़ है क्या, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाएंगे इसके होम पे, तो अभी हैं अबाउट, इसमें जाके आप सारा का सारा ए टू जेड पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसके एफ ए क्यू में जाएँ एक बार, एफ ए क्यू है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, ठीक है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जो भी आप पूछना चाहते हैं, ठीक है। आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं कि नहीं, आप कितने मेंबर हैं, आप कैसे इसमें काम कर सकते हैं, इंटरनेट आईपी एड्रेस का क्या चक्कर है, और मैं एक चीज़ आपको पहले ही यहाँ पे बता दूँ शॉर्टकट में, क्योंकि मैंने इसको सारा पढ़ के रखा हुआ है, आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करने की ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि अकाउंट ये जो है मर्चेंट शेयर वाले, ये क्या है बेसिकली, ये ट्रेडर्स हैं, ठीक है, ट्रेडर्स बोल लीजिए, या फिर आप ऐसे बोलिए कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं, इंडिया में, उस डोमिनिका कंट्री में, और डिफरेंट साउथ अफ्रीका वगैरह में लोगों ने, कम्बिनेशन से ये कंपनी चल रही है, ठीक है, और बहुत ही बड़े बड़े इसमें इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो है आईपी एड्रेस का पूरा पूरा का पूरा ट्रैकिंग होता है, तो आप गलती से भी दो अकाउंट मत बनाइएगा, ठीक है, ताकि आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, फिर बाद में आप मुझे मत बोलिएगा कि मेरा अकाउंट बैन हो गया या बंद हो गया और मेरा पैसा सारा मर गया, ठीक है। और इसमें आप देखिए नीचे आके लॉगिन देखिए, डिपॉजिट देखिए कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड रिटर्न देखिए, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र विड्रॉ, विड्रॉ भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हेन विल आई रिसीव माय विड्रॉल्स, ऑल विड्रॉल्स आर प्रोसेस्ड इंस्टेंटली। जैसे ही आप विड्रॉल के बटन पे क्लिक करेंगे, उसी टाइम पर आपको इंस्टेंटली विड्रॉल आपके अकाउंट में मिल जाए करेंगे, ठीक है। ये हो रहा है और मैंने रिसर्च करके तभी आपको मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल है, यहाँ पे आई थिंक मिनिमम अमाउंट टू विड्रॉ लिखा है $5। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके सारा पढ़िए, पहले रेफरल सिस्टम क्या है, पेमेंट मेथड कौन कौन से, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, रिफंड का क्या चक्कर है, टेस्टिमोनियल, सोशल नेटवर्क, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मत पढ़िए, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो भी बिल्कुल ओके है, क्योंकि मैं सारा ये पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और नीचे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसर जो यूज़ होते हैं वो है नेटेलर, ओके पे, पेईर, पे टू, परफेक्ट मनी, सोलिड ट्रस्ट पे, BTCe, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पे मैं खुद जो है, मैं मेरे पास BTC वॉलेट्स के अकाउंट हैं, ठीक है, बट मैं इसमें BTC वॉलेट यूज़ नहीं करने वाला हूँ। क्यों? पहली बात तो ये, क्योंकि आपको पता है BTC जो है वोलेटाइल है नेचर में, वो अप एंड डाउन जाता रहता है, ठीक है। तो मेरे जो मेरी स्ट्रेटजी है वो ये है कि मैं सारा का सारा पैसा अपना BTC में ना लगाकर अपना US डॉलर में भी काम करूं, ठीक है। कल को अगर सपोज करें कि अगर आज BTC की वैल्यू $1,000 है, सपोज कीजिए कल को अगर वो $200 हो गई, तो सारा का सारा पैसा आप वहीं पे आपका फंस जाएगा, निकालने के लिए भी आप निकालेंगे भी पैसा तो अभी आपको कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, ठीक है, लॉस ही होगा मतलब। बट हमें ये पता है कि BTC की वैल्यू आने वाले फ्यूचर में बढ़ने ही वाली है ऑब्वियसली, ठीक है, बट फिर भी एक साइड वाइज हमें वो रखना पड़ता है अपना, आप बोल लीजिए
अपना सेफ रखना पड़ता है, एक साइड सेफ रखनी पड़ेगी ताकि इस साइड से भी हमें इनकम जनरेट होती रहे, ठीक है। तो मैं इसमें खुद यूएस डॉलर में काम करने वाला हूँ और मैं यूज़ करने वाला हूँ परफेक्ट मनी अकाउंट, ठीक है। तो अगर आपके पास परफेक्ट मनी अकाउंट नहीं है तो आप जाकर परफेक्ट मनी का अकाउंट यूं करके गूगल पे अगर आप सर्च मारते हैं परफेक्ट मनी, गूगल पे आप सर्च मारेंगे परफेक्ट मनी, तो परफेक्ट मनी का जो अकाउंट है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। परफेक्ट मनी डॉट इज़ है इनकी यूआरएल, ठीक है। यहाँ पर आप आइए, साइन अप पे क्लिक कीजिए, इनका अपना अकाउंट बनाइए, रजिस्टर करिए, वेरीफाइड होइए, ठीक है। फिर आराम से आप इसमें से काम कर पाएंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप कैसे ऐड फंड करेंगे मर्चेंट शेयर में परफेक्ट मनी के थ्रू और कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर आप सोच रहे हैं कि मैं BTC वॉलेट क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो BTC वॉलेट मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि BTC मैंने एक एक तो आपको प्रॉब्लम बता दी कि BTC की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें BTC यूज़ करने का BTC E है, देखिए, तो BTC E प्लेटफॉर्म से इसको यूज़ करने का प्रोसीजर थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है, तो कन्फ्यूजिंग भी है, ठीक है। तो मैं इसलिए परफेक्ट मनी ही यूज़ करूँगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आप कैसे इसको इसमें ऐड फंड करेंगे, बट मेरी सजेशन आपको पहले यही है, चीज़ को समझिए, पैसा लगाने से पहले चीज़ को समझिए, चीज़ काम कैसे करती है, ठीक है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं मैं अभी लॉग इन हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको शॉर्टकट इसके बताता हूँ कुछ पॉइंट्स पे, ठीक। इसके 5 सेक्टर हैं, मैं आपको सेक्टर्स पे लेके चलता हूँ। दे हैव 5 इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स एंड दे शेयर द प्रॉफिट विद द मेंबर्स। नंबर 1, इनकी वेब एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। दूसरा फॉरेक्स ट्रेडिंग है इनकी, कॉमोडिटीज ट्रेडिंग है, ठीक है। स्टॉक ट्रेडिंग है इनके, और अभी इन्होंने रिसेंटली नवंबर 2016 में दे हैव एडिड दिस इन नवंबर 2016 एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। यू कैन चूज विच एवर सेक्टर यू वॉन्ट टू एंड यू विल बी पेड अकॉर्डिंग टू द डेली प्रॉफिट ऑफ द दैट सेक्टर। हियर इज द ग्राफ ऑफ द डेली प्रॉफिट पोर्टफोलियो, ओके। तो इस तरीके ये डेली ग्राफ आते हैं, अप एंड डाउन चलता रहता है, ठीक है। तो इनके 5 ये सेक्टर्स हैं जो मैंने आपको अभी बता दिए, ठीक है। तो इन 5 सेक्टर्स में आप किसी 5ों में पैसा भी लगा सकते हैं, एक में भी पैसा लगा सकते हैं, ठीक है ये। बट मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा कि ये 5 के 5 जो सेक्टर्स हैं, क्रिप्टो कॉइन, स्टॉक, कॉमोडिटीज, फॉरेक्स एंड वेब एड्स, इन 5ों पे आप डिवाइड करके पैसा लगाइए। जैसे आप सपोज कीजिए कि $1,000 लगाने वाले हैं, ठीक है। तो $1,000 लगाने वाले, तो 2 to 100 दोनों में आप लगाएं, ठीक है। तो पाँचों में 2 to 100 डॉलर लगेंगे, तो टोटल $1,000 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है बिजनेस वेरीफाइड कंपनी है, ठीक है। 30 डे मनी बैक गारंटी भी दे रही है ये, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑन हाई नेटवर्क नेटवर्थ बिजनेस, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट विथ $20, डेली रिटर्न अप टू 2.25%। डेली रिटर्न इन्होंने लिखा तो है 2.25%, बट ये होता नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात करेंगे, कोई ऐसे यहाँ पे तो ये बहुत कुछ लिखेंगे, बट एक्चुअली 2.25 मिलता नहीं है, बट कभी कभी मिल भी जाएगा, हर बार नहीं मिलता, ठीक है। पहली बात, टोटल रिटर्न अप टू 150%, ये ठीक है। अगर आप जैसे सपोज करते हैं कि $1,000 लगा रहे हैं, तो आपको $1,500 150% तो उस पर मिलेगा ही, मतलब वो मन गया आपका $1,500, ठीक है। इंस्टेंट विड्रॉ है मिनिमम $5, ठीक है। रेफरल कमीशन है 5%, ठीक है। मेजर पेमेंट मेथड सपोर्टेड है, आगे तो वेरीफाइड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हु स्पीक योर लैंग्वेज, ठीक है। लाइव चैट दे रहे हैं आपको, ये देख रहे हैं आप नीचे लाइव चैट रूम, ठीक है। अभी अब हम आगे पढ़ लेते हैं। रियल मेंबर टेस्टिमोनियल्स हैं, ठीक है। डीडोस प्रोटेक्टेड नेटवर्क है, मतलब कोई भी अटैक होता है हैकर्स का, कोई भी वायरस का, किसी भी चीज़ का, तो ये डीडोस प्रोटेक्टेड नेटवर्क है, तो इसको ये प्रोटेक्ट करता है अच्छी तरीके से, ठीक है, अपनी साइट को। अब आते हैं ये तो मतलब इन्होंने यहाँ पे सारा सिक्योरिटी के बारे में बताया हो कि सिक्योरिटी मेजर्स पूरे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों का काफ़ी फंड लगा होता है, तो सिक्योरिटी के बारे में आप चिंता मत करिए, ठीक है। आज मैं आपको इसी वीडियो में सारा का सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मर्चेंट शेयर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे लाइव चैट ऑनलाइन दी हुई है उन्होंने, तो लिखा है कि ओनली रियल प्रॉब्लम नीड टू गो ऑन द लाइव चैट। बोल रहे हैं अगर आपको कोई सच में एमरजेंसी प्रॉब्लम है तो ही आप लाइव चैट यूज़ करें, नहीं तो सारी की सारी अपडेट्स जो है MS की न्यूज़ में, यहाँ भी आप क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है फेसबुक ग्रुप में दी हुई है, तो चलते हैं वहाँ पर देखते हैं क्या है। ये देखिए न्यूज़ टैब है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आकर पूरी न्यूज़ देख सकते हैं, 19 जनवरी को क्या हुआ था, सर्वर पे अटैक हुआ था, बट इन्होंने बचा लिया, ठीक है, सब कुछ ठीक है। पे टू विड्रॉ हो रहा है, वर्किंग टाइम, मतलब हर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 जनवरी, पीछे भी आप जाके देख सकते हैं, ये काफ़ी लंबे टाइम से कंपनी चली हुई है, कोई फ्रॉड नहीं है, ठीक है। ये हमने किया बंद, और यहाँ पे आप मर्चेंट शेयर का ये जो ग्रुप है, ठीक है,
अगर आपने ज्वाइन होना होगा तो आप यहाँ पर आकर भी हो सकते हैं, या फिर मेरे को आप बोल सकते हैं कि आपने ज्वाइन होना है तो मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा मर्चेंट शेयर के ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, लोगों के आप कमेंट देखिए आके, ठीक है, लोगों के बातचीत कर रहे हैं वो देखिए, किसी भी जो है लोगों का, मैंने यहाँ पे ये नहीं पढ़ा कि उनको विड्रॉल उनका रुका हो या उनको प्रॉब्लम आई हो या कुछ ऐसा हुआ हो, ठीक है। बहुत ही स्मूथ तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है और मैं तभी इसको ज्वाइन करने का फैसला किया है, ठीक है, और आपको भी तभी शेयर कर रहा हूँ, ओके। और एक चीज़ और बोलूँगा कि यहाँ पर अगर आपने मर्चेंट शेयर में काम करना है, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, ठीक है, मैं बातें घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा, अगर आपने इसमें काम करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कैलकुलेट योर प्रॉफिट। आप इसमें $1000 के नीचे स्टार्ट मत ही होइए तो ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट पीरियड हम लेके चलते हैं यहाँ पे 5 महीने, ठीक है, 5 महीने हो गए हमारे, 150 दिन, ठीक है, 150 हमने लगा दिए। सपोज करते हैं हमारे पास वेब एड्स ही है, यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स, आप डिफरेंट सेक्टर्स में, यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि $1000 आप लेके आए, ठीक है, 200 आपने यहाँ पे लगाया, 200 यहाँ पे लगाया, 200 यहाँ पर, 200 यहाँ पर और 200 यहाँ पर, टोटल आपका $1000 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। मैं आपको जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम सपोज करते हैं कि वेब एड्स में हमने पैसा लगा दिया $1000, ठीक है, सबसे पहले तो मैं $100 की बात करता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि $500 से यहाँ पे आप स्टार्ट हो सकते हैं, होने को हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बट ग्रोथ नहीं मिलेगी, पैसा अर्न उतनी जल्दी नहीं होगा और रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और हमारी पहली स्ट्रेटजी यही होती है कि जब भी हम किसी अपॉर्चुनिटी में काम करते हैं हमारे वहाँ से सीड मनी रिकवर हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है, बाकी प्रॉफिट में सिस्टम चलता रहे तो कोई बात नहीं होती, ओके। तो यहाँ पर वेब एड्स पे हमने $100 लगा दिया इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे, ठीक है, तो हम री इन्वेस्ट करेंगे 5 महीने के लिए, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। हम करेंगे कैलकुलेट योर प्रॉफिट, ये देखिए अब मैं क्या बोल रहा था आपको, क्यों आप $1000 के नीचे स्टार्ट मत होइए, $1000 के ऊपर आप जितना मर्जी स्टार्ट ऊपर जाइए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बट मिनिमम $1000 या मिनिमम 500 तो चाहिए ही चाहिए, उसके नीचे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब फ़ायदा नहीं है तो देखिए, आपने लगाया $100, ठीक है, री इन्वेस्टेड अमाउंट मिला आपको $106, ये कब मिला देखते हैं अभी, देखिए डे वन से लेके यहाँ पे 150 डेज तक है, ठीक है, तो मतलब 5 महीने तक आपको यहाँ पर कितने एडबैक्स मिलेंगे, कितने शेयर्स मिलेंगे आपको, ये देखिए, एक ये मिला, दो ये मिला, तीन ये मिला, चार ये मिला, पाँच ये मिला, छः, सात, आठ, आठ हेडपैक मिले हैं आपको, आठ हेडपैक मिले हैं आपको। अगर आप $100 से स्टार्ट होते हैं और आप अपना पहला हेडपैक कब परचेस, पहला शेयर कब, हेडपैक बोलिए या शेयर बोल लीजिए जैसे आप बोलना चाहें, ठीक है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अच्छा अमाउंट लगाएंगे तभी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। नहीं तो देखिए, पहले दिन आज आपने स्टार्ट किया तो आपको दूसरा पैक परचेज करने के लिए या दूसरा शेयर परचेज करने के लिए 40 दिन का वेट करना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात, 40 दिन बाद आपके पास $20 इकट्ठे होंगे अगर आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसमें काम करने का, मैं तभी आपको बोल रहा था, ठीक है। और यही चीज़ अभी हम देखते हैं, अगर कोई पर्सन अगर $10,000 से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, ठीक है, तो $10,000 आज उस पर्सन ने लगाए, ठीक है, री इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, $20,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया, कितने कितने टाइम में, 150 दिन में, ठीक है, 5 महीने के अंदर, जहाँ पे $100 में हम $106 या इतने करीब बना रहे थे, ठीक है, 8 पैक मिल रहे थे हमें वहाँ पे, अभी देखिए कितने एड पैक्स मिले होंगे, ठीक है, अभी नीचे देखते हैं, देखिए $10,000 कोई पर्सन स्टार्ट करता है तो दूसरे ही दिन, आज आपने स्टार्ट किया, दूसरे ही दिन से आप डबल ट्रिपल उसके एड पैक्स परचेज करते जाएंगे, देखिए देख रहे हैं आप नीचे, अब देखिए $150 पे देखिए इसकी ग्रोथ, 150 डेज पे, सॉरी, आप देख रहे हैं कितना एड पैक परचेज हो गया, 501 तो $150 पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप ग्रोथ का लेवल देख सकते हैं, जितना पैसा आप ज़्यादा लगाएंगे उतना ही ग्रोथ अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप दिखा रहा है आपको एक्टिव इन्वेस्टमेंट होगी आपकी $31,000, आपने लगाए $10,000, आपके बन गए वो $31,000 पाँच महीने के बाद। तो आप इसकी यहाँ पे जो है स्पीड और ग्रोथ देख सकते हैं कि कैसे मिलेगी, ठीक है। तो मेरी ये सिंपल सी सजेशन आपको यही है कि छोटे अमाउंट से तो स्टार्ट होने का फ़ायदा नहीं, और मत आइएगा, आपका टाइम हो जाएगा सिंपली वेस्ट, ठीक है, पहले ही बोल देता हूँ आपको, मिनिमम $1000 या $2000 के ऊपर आप जाएंगे तो उतना ही अच्छा स्पीड आपको मिलेगा। $1000 सपोज करिए अब लगाते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, तो $1000 भी अगर आप लगाते हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4 दिन के बाद आपको पांचवा पैक आप परचेज कर पाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, हम अगर हम लेके चलते हैं तो देखिए
3-4 दिन के बाद आप नेक्स्ट पैक परचेज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए आगे आगे अगर आप री इन्वेस्टिंग करते जाएंगे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अभी देखिए हम 100 दिन पे हैं, तो अभी अच्छे दो एक दो दिन छोड़ के ही हम एड पैक परचेज कर रहे हैं, 1 दिन छोड़ के हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से स्पीड चाहिए तो पैसा अच्छा लगाइए। अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, फ्री टाइम है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि हाँ भाई मेरे पास 2-2.5-3 साल मैं इसमें ही लगा दूंगा, तो आप चाहे $100 से स्टार्ट होइए, बट मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप इतने कम से स्टार्ट होइए, ठीक है। मिनिमम $1000 से स्टार्ट होना ही अच्छा है, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं जैसे भी आपका दिल करे, ठीक है। चलिए तो ये मैंने ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन करनी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों की यही क्वेरी होती है कि हम कितना अर्न करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको ये आपको दिख रहा है वेब एड्स, फॉरेक्स कॉमोडिटी स्टॉक क्रिप्टो कॉइंस, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको दूसरा स्नैपशॉट पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपके वेब एड्स होंगे, ये आपको 1% आपका जो जैसे इस पे आपने $200 लगाया है, ठीक है, वेब एड्स पे, तो 200 पे आपको 1% मिल रहा है, ठीक है। तो फॉरेक्स पे आपने 200 लगाया तो उस पे आपको 0.25% मिला है, ठीक है। ऐसे आप टोटल प्लस मत कर लीजिएगा इनको कि इतने परसेंट आपको मिलेगा, जितना इन्वेस्टमेंट आपने इसमें लगाया उसके ऊपर आपको उतना परसेंटेज मिला है दिन का, ये दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, बाकी कंपनी अच्छी है, ठीक है। मैं खुद अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आऊँगा, परफेक्ट मनी के साथ मैं काम करूँगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है परफेक्ट मनी का, तो आप अकाउंट क्रिएट कीजिए और इसमें रेडी हो जाइए काम करने के लिए। बाकी BTC वॉलेट्स के थ्रू मैं आपको बताऊँगा इसमें आप कैसे काम करेंगे। BTC वॉलेट ये नहीं, लाइक आपके पास BTC वॉलेट होगा जैसे जेपे या यूनिकॉइन या ब्लॉकचेन या कॉइनबेस जो भी है, उसके थ्रू हम एक्सचेंज कर लेंगे पैसा परफेक्ट मनी में भेज के, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, पुट करेंगे। और मैं परफेक्ट मनी इसलिए भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम आई हो जब से मैं ऑनलाइन वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी पेमेंट प्रोसेसर में मैंने थोड़ा बहुत सुना भी है BTC को छोड़ के, परफेक्ट मनी बिल्कुल सिक्योर एंड आप बोल सकते एक नंबर का टॉप का परफेक्ट मनी जो है एक वॉलेट है, ठीक है। इसमें आप काम करेंगे तो पैसा आपका डूबेगा नहीं, जितना मैं बता दूँ, ठीक है। बाकी सब अच्छा है और इसको आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइनिंग लिंक मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि ये वीडियो के नीचे ज्वाइनिंग लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन करिए आराम से, ठीक है। और एक ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे कि ये एक पोस्ट है, ठीक है, फेसबुक की, ये एक फेसबुक की पोस्ट है। जब आप इसमें मेरे अंडर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, मतलब मेरे अंडर हो जाएं या किसी के अंडर भी हो जाएं, ठीक है, तो मैं आपको ये लिंक दूंगा। आपने क्या करना है, ये लिंक को ओपन करना है अपने ब्राउज़र में, और एक बार आपने ये बहुत ही अच्छी पोस्ट जो कि एक तरह के एडमिन बोल लीजिए आप इनके मर्चेंट शेयर्स के, ठीक है, सिंडी, इन्होंने पूरी डिटेल में ये पोस्ट बनाई हुई है। आप यहाँ पे आकर पूरा का पूरा डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं होता, कैसे करना है, ठीक है। ये देखिए बहुत लंबी पोस्ट है, ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़िए और इसमें काम करने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसमें आप अपना इन्वेस्ट कैसे करें मर्चेंट शेयर्स में, ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन कैसे करें, ठीक है। तो ये सारा अनवेरीफाइड आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको वेरीफाइड करेंगे और इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आपको कैसे काम करना है, ठीक है। और इसमें आप एक चीज़ और बता दूं आपको, इसमें कोई आपको क्लिकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको आपका ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है काम होता रहेगा। आपका काम बस यही है कि आपको जब भी आपके पास फंड इकट्ठा हो तो आपको उस फंड को यूटिलाइज करके न्यू एड पैक परचेज करना है या न्यू शेयर परचेज करना है, जैसे भी आप बोले, ठीक है, बस ये आपका काम है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।